हेलो भगवान, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नीरज कश्यप और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लोब के बारे में और ग्लोब पर जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं उनके बारे में। सो बिना देर के शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ग्लोब की, क्या होता है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है किसका, अर्थ का। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमारे मन में एक आइडिया आता है कि यस, रियल में जो अर्थ है वो ऐसे ही दिखती है, हूबहू दिखती है। बट ग्लोब पर कुछ और भी चीजें पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपने ग्लोब देखा होगा और ग्लोब में आप देखेंगे कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टली जा रही हैं और कुछ लाइंस वर्टिकली जा रही हैं। तो जो लाइंस हॉरिजॉन्टली है वो लैटिट्यूड कहलाती है और जो लाइंस वर्टिकल है वो लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अगर याद करने का तरीका देखें तो जो लाइंस लेटी लेटी है, जो लाइंस लेटी हुई है उन लाइंस को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड और जो लाइंस लेटी नहीं है, खड़ी खड़ी है, उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब हम लोग देखते हैं ये लाइंस जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो रियल नहीं है। ये कैसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक है। तो जब काल्पनिक है इसका मतलब इसको ग्लोब पर जोड़ा गया है तो इसके कोई ना कोई यूजेस होंगे, एप्लीकेशन होंगे। तो इससे पहले हम लोग इसके यूजेस पढ़े, इसके एप्लीकेशन पढ़े, लेट टू नो व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आर प्रेजेंट इन द ग्लोब। बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड दैट इज नोन एज इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर स्थित होता है। इस लैटिट्यूड की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और उसके नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाया जाता है, साउथ हेमिस्फीयर। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बारे में। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट होती है। सिमिलरली एक और लाइन है दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह भी 23.5 डिग्री साउथ में लोकेट करती है। इसके बाद हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इज नोन एज आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट है। सिमिलरली दैट इज अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल, यह भी 66.5 डिग्री साउथ में प्रेजेंट है। एंड हियर इट इज नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री पर स्थित है। सिमिलरली यहां पर है साउथ पोल जो कि 90 डिग्री पर स्थित है। सो बेसिकली दीज आर 5 इंपॉर्टेंट लाइन। बट अगर हम टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पता करें तो हम देखेंगे इधर से 90, इधर से 90 और एक लाइन ये, दैट मीन 90 प्लस 90 प्लस 1, तो हमारा आंसर आएगा 181 लैटिट्यूड ग्लोब पर।
और मौजूद होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो बेसिकली हेयर दिस इज प्राइम मेरिडियन और यहां पर आप देखेंगे पोल से पोल की ओर जो लाइंस ज्वाइन हो रही है जुड़ रही हैं, इन लाइंस को ही हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। सो इस लाइन से जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं जो कि 0 डिग्री पर अवस्थित है, 0 डिग्री पर प्रेजेंट है, इसके ईस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड है और इसके वेस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड है। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 360 लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर 360 लॉन्गिट्यूड मौजूद होते हैं जबकि लैटिट्यूड 181। नाउ अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब और ऑन द अर्थ कि भैया लैटिट्यूड का उपयोग क्या है। पहला उपयोग हम लोग जान सकते हैं जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर विल डिक्रीज। अगर हम लोग पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम लोग पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर जहां पर कम होगा वहां पर वेजिटेशन भी कम होगी और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर वेजिटेशन क्या होगी ज्यादा होगी इन हायर प्रोपोर्शन। सो यहां से दो बातें पता लगी कि लैटिट्यूड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और लैटिट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेजिटेशन के। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका मेन इंपॉर्टेंट जो यूज है वो हम लोग कह सकते हैं टू नो अबाउट द टाइम जोन। टाइम जोन के बारे में लोग पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। सो तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, नमस्कार।